वैसे महाराजा भोग में हम कई लोगों को लेकर आए हैं, आपने उनके अलग अलग अंदाज देखे हैं, और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो उनका उनके बारे में जितना मैं बोलूं उतना कम है। वैसे तो वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि बिग बॉस हो या रोडीज, उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है, अपनी अलग मुकाम बनाई है, आपने उन्हें काफ़ी पसंद किया है। वो जितने दिन घर में रही लोगों के दिलों को जीत कर आई है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं कृति वर्मा, जिन्होंने बिग बॉस में तो धमाल मचाया ही है। आपने उनके अलग अलग अंदाज देखे हैं, बट शायद आपको ये नहीं पता है कि कृति खाने के भी काफ़ी शौकीन है। तो आज हम उन्हें लेकर आए हैं महाराजा भोग पर, और कृति आपको बताएंगे उन्हें और क्या क्या खाना पसंद है, और हाँ हम कई चटपटी बातें भी करेंगे। तो मैं आई नो कि आप इनके मुँह से ही सुनना चाहेंगे। सो कृति, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू लहरे। थैंक यू मिनी, नाइस मीटिंग यू अगेन। कहना चाहेंगे आप कितनी खाने की शौकीन हैं आप? मैं पंजाबी फैमिली की कुड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं बहुत शौकीन हूँ, एंड बचपन से खाना पीना लाइक वेज नॉन वेज आई यूज़ टू लव इट, बट अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गई हूँ बहुत रिसेंटली, सो आई एम मोर एक्साइटेड कि हम महाराजा भोग में आए हैं आज, क्योंकि दिस इज़ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। एंड जब मेरे फास्ट थे नवरात्रों में, तब मैं यहाँ पे थाली खाने आई थी स्पेशली, एंड आई लव्ड इट, अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग, यू गाइस शुड ट्राई इट। एंड आज मेरा हमेशा से क्यूरियोसिटी भी थी थोड़ी कि मुझे एटलीस्ट इनकी एक बार नॉर्मल वेज थाली खानी है, तो मैं आज यहाँ पे आई हूँ जस्ट टू क्योर दैट क्यूरियोसिटी, एंड थैंक्स टू हर जिन्होंने मुझे इनवाइट करा है आज यहाँ पे। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, भूख लग गई ना? बहुत ज़्यादा। चलो तो चलिए अंदर बताते हैं कि थाली में क्या क्या सजा हुआ है, और अंदर चल के देखते हैं कि और क्या क्या है। सो प्लीज़ कम। So I am at Maharaja Bhog right now, and the ambience looks amazing as usual. Last time भी बहुत अच्छा था और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। It's a family restaurant, and the best part and the most exciting part is कि इस थाली में बहुत सारी कटोरियाँ हैं। तो इतनी सारी कटोरी मतलब बहुत सारी वैरायटी, एंड वैरायटी एट स्पाइस टू लाइफ, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड। एंड नाउ तो यहाँ पे आके मुझे भूख भी बहुत लग रही है, सो आई एम जस्ट वेटिंग कि थाली कैसे सजेगी और मैं कैसे खाना खाऊँगी। सो थाली सज चुकी है, एंड इट लुक्स सो इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग, और मुझे बहुत भूख लग रही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि हम ब्रेक के बाद मिलते हैं, मैं पहले खाना खा लेती हूँ। इतना टेस्टी खाना लग रहा है महाराजा भोग का, सो अपनी पापा की इस महारानी को प्लीज़ खाना खाने दो। So Lahri TV Networks has invited me for the dinner in Maharaja Bhog. I have eaten a lot, and I guess यहाँ पे आके तुम खाने से बच नहीं सकते, क्योंकि वहाँ इतनी वैरायटी होती है कि शायद टेस्ट करने के चक्कर में ही पेट इतना फुल हो जाता है। सो आई रियली आई थरली इन्जॉय इट, एंड आज जो मेरी विश थी कि यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करूँ नॉर्मल वेज थाली, और क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वेजिटेरियन में कन्वर्ट हुई हूँ, सो आई हैव इन्जॉयड इट अ लॉट, एंड आई होप कि आप भी सब यहाँ आएंगे महाराजा भोग में। बहुत सारी जगह पे हैं, मैं अभी जुहू में हूँ, एंड इट हैज़ एन अमेजिंग एम्बियंस एंड अमेजिंग फूड। यहाँ पे सब कुछ है, मीठे की वैरायटी देख लो, दाल की वैरायटी देख लो, सब्जी की वैरायटी देख लो, रोटी तक की वैरायटी देख लो, बाजरे की रोटी विद गुड, एंड इट्स लाइक ऑसम सच में। सो थैंक्स टू द ब्यूटिफुल लेडी मिनी हु इज सिटिंग विद मी, एंड यस lastly to my all my fans, all my friends, all my family members, I really love you a lot, and apna pyar please mujh pe aise hi barsate rehna. Kriti Verma official Instagram, whatever you want to say to me or advice to me or kuch bhi pyar bhare message agar tum bhejna chahte ho, so please follow me there, dm me there, I read all your messages, and that's it. Otherwise Facebook, Twitter, I'm everywhere. Go and follow Lahre, go and follow Mini as well. वो मिनी नाम है पर बड़ा धमाका है। चलो बाय।